धर्म एक व्यक्तिक अनुभूति, उसके बारे में कुछ विचार। आगे एक समुद्र के किनारे पर एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था। उसका छोटा था बेटा, वह उसको लेकर समुद्र के किनारे टहल रहा है। सांझ, सूरज ढल रहा है। वह छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है। बाप उसके सामने अकड़कर भी चल रहा है। जो भी बच्चा पूछता है उसे, वह उसका उत्तर दे रहा है और बच्चे को भी सभी उत्तर सही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वह उसका बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता है। अज्ञान करीब करीब बराबर है। बच्चे की प्रशंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया। तट पर और कोई भी नहीं है। फिर सूरज डूबने लगा। उसने अपने लड़के से कहा कि देख, अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जा। और उसने जोर से कहा, चल सूरज, डूब जा, गो डाउन, गो डाउन। वह सूरज तो वैसे ही डूब ही रहा था। वह सूरज थोड़ी क्षणों में डूब गया। वह बच्चा चकित खड़ा रह गया। उसने अपने बाप को कहा, डू इट अगेन डैडी, डू इट अगेन, एक बार और करके दिखाइए पिताजी, बहुत मजा आया, प्लीज एक बार और करिए। उस पिता ने कहा कि यह काम दिन में एक बार ही होता है, अब कल होगा। मंत्र की ताकत इतनी है कि एक ही बार कह सकता हूँ या कर सकता हूँ, अब कल करूँगा। लेकिन बच्चा आज नहीं, कल जवान हो जाएगा और जान लेगा। यह मंत्र की ताकत से नहीं हुआ है। आदमी अपने बचपन से भी गुजरा है, जहाँ तक पदार्थ का संबंध है। लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका अब तक, जहाँ तक अध्यात्म का संबंध है। अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव है, हम अभी भी बिल्कुल आदिवासी है। विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित जरूर हुए हैं। पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है, लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने 10,000 साल पहले आदमी था। क्यों हम आदिवासी रह गए अध्यात्म की दिशा में? क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह हो गया। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।